बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के कुनबे में ही घमासान होता दिख रहा है। आपको बता दें कि यूपी की मैनपुरी सीट पर बहू बनाम बहू की लड़ाई छिड़ सकती है। सूत्रों की माने तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अपनी जेठानी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। अपर्णा यादव इन दिनों बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मिल रही हैं और वो चाहती हैं कि बीजेपी उन्हें मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ाए। तो क्या ये बीजेपी की यूपी में 80 की 80, 80 की 80 सीटें जीतने वाली प्लानिंग है? ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या मुलायम के कुनबे की लड़ाई मैनपुरी तक आई? क्या मैनपुरी सीट पर बहू वर्सेस बहू का मुकाबला होगा? क्या बीजेपी के टिकट पर मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव? क्या बीजेपी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को हराने का तोड़ निकाल लिया? क्या मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादव परिवार में ही मुकाबला होगा? इस तस्वीर ने मुलायम सिंह यादव के कुनबे में खलबली मचा दी है। अपर्णा यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में कमल खिलाने के लिए बीजेपी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। मैनपुरी में बहू बनाम बहू की चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हम सभी जानते हैं भाजपा जो शाम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेगी, मैनपुरी में भी तो करेगी ही और पूरे प्रदेश में भी करेगी। लेकिन अब जो इनके तरीके हैं वो हम सब लोग जान गए हैं, किस तरह वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। तो हम सभी को बहुत चालाकी से ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये अब संविधान को बचाने का भी चुनाव है। एक और बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव भी मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर रही हैं। अपर्णा यादव ने हाल ही में सीएम योगी से लेकर सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान चर्चा थी कि अपर्णा यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और रिश्ते में जेठ अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि इसके बाद उन्हें बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। विधानसभा में भी किसी सीट पर प्रत्याशी बनाए जाने का अनुमान धरा ही रह गया और चुनाव नहीं लड़ाया गया। अब एक बार फिर से अपर्णा यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। हालांकि कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ सकती हैं, और इस पर डिंपल यादव का बयान भी आया। उन्होंने अपर्णा यादव पर क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। अपर्णा यादव की सूचना आ रही है सभा में शामिल हो सकती हैं, आप स्वागत करेंगे? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देंगे, स्वागत करेंगे। इस वक्त बीजेपी यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, और यही वजह है कि बीजेपी चुन चुन कर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। हम तो 80 में से 80 लाने के पक्षधर हैं कि 80 में से 80 बीजेपी के पक्षधर। लेकिन अखिलेश भी दम भर रहे हैं कि वो भी यूपी में इस बार बीजेपी का रथ रोकेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। अब तक समाजवादी पार्टी 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कई सीटों पर अखिलेश यादव ने फेरबदल किया है, और तो और अपने परिवार की सीटें भी अखिलेश ने बदली हैं। पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट दिया, मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को टिकट दिया। दूसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया। तीसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने बदायूं से चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया, कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया, वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया। चौथी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने मेरठ से भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया, तो अलीगढ़ से बिजेंद्र सिंह को टिकट दिया। पांचवी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया और गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को टिकट दिया।
हालांकि अखिलेश ने सीटों की रणनीति को लेकर परिवार की नाराजगी भी झेली, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है। सोच समझ के निर्णय लिया, रणनीति के तहत निर्णय लिया है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम एमपी का चुनाव हम नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं और लड़ना भी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लोगों के बीच में जाएं। कई लोकसभा में हमें जाना है, अब भी जाएंगे, अभी यहाँ आए और यहाँ जाने के बाद फिर जाएंगे, और जाने के बाद इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर मुझे हराना है, कई सीटों पर हराना है। यूपी में अब की बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन इस दफा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला पीएम मोदी के चैलेंज से है। जी हां, चैलेंज बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। 80 की 80 जीतने का ये फॉर्मूला खोजा है। अभिषेक, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, क्या वाकई आमने सामने अपर्णा और डिंपल यादव मैनपुरी में? अंजना, देखिए बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है और जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल बीजेपी लगातार मैनपुरी हारती रही है और नंबर वन अगर वहां किसी बिरादरी का वोट है तो वो है यादव। बीजेपी हमेशा दूसरे नंबर की जो बिरादरी है शाक्य, उस पर अपना दांव लगाती रही है। तीसरी बात यह है कि अपर्णा यादव ने एक राइडर लगा रखा था पहले कि वो कभी भी परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन इस बार उन्होंने ये राइडर हटा दिया है और कहा यह जा रहा है कि वो चाहती हैं कि वो खुद भी चुनाव लड़ें। ऐसे में बहुत तेज चर्चा है अंजना कि वो अगर उन्हें पार्टी मैनपुरी भी लड़ाती है तो वो लड़ेंगी, यहां तक कि वो खुद भी इच्छुक हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस पर कोई फैसला लेती है या नहीं लेती है, लेकिन अगर प्रदेश नेतृत्व की माने तो एक बार फिर से शाक्य लड़ाना चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जिस तरीके से ये लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रही हैं और इनके भीतर के जो सोर्स हैं, इनके परिवार के आसपास के, उनका मानना है कि वो मुलायम सिंह यादव की उस विरासत पर वो भी अपना दावा पेश करना चाहती हैं, वो भी बहू हैं, तो ये एक बड़ी वजह है, लेकिन देखना है कि क्या इस पर फैसला होता है या नहीं। अंजना, धन्यवाद आपका। अभिषेक, नजर इस खबर पर रहेगी और अगर वाकई ऐसा होता है तो हाई वोल्टेज एक्शन हम लोग देखेंगे मैनपुरी में। बहरहाल, एक तरफ यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति बदल रही है, दूसरी तरफ यूपी में उसकी पार्टनर कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। यहां तक कि रायबरेली सीट, अमेठी को लेकर भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नामों की चर्चा तो है लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जबकि लोकसभा के चुनाव में यूपी वो राज्य है जहां से दिल्ली की कुर्सी तय होती है। आखिर कांग्रेस इस वक्त क्या सोच रही है, क्या यूपी के लिए कांग्रेस की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समाप्त हो गई और मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में राहुल गांधी की यात्रा के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस रैली में राहुल गांधी के अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट के शरद पवार समेत समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मौजूदगी दर्ज कराई और यहां से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर से प्रहार किया। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों, सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। भले ही राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने यूपी में अपने एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये उत्तर प्रदेश से तय होता है, क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी में अब की बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है
और इस गठबंधन के ऐलान को भी 27 दिन बीत चुके हैं। आपको बता दें कि 21 फरवरी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के तहत ये तय हुआ कि 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि एक सीट पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 43 उम्मीदवारों की घोषणा की। गठबंधन ऐलान के 27 दिन बाद भी यूपी में कांग्रेस की चुप्पी। कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों की घोषणा की, यूपी से कोई नाम नहीं। अब जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो फिर सबकी नजरें यूपी पर टिकी है, क्योंकि यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। 2014 में यूपी की 80 सीटों में से 73 एनडीए गठबंधन ने जीती। 2019 में ये आंकड़ा कम होकर 62 सीटों पर पहुंच गया। आपको बता दें कि 15 साल में यूपी में बीजेपी की 5 गुना सीटें बढ़ी। 2019 में यूपी में कांग्रेस ने अकेले 67 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, इसमें 63 पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी अमेठी से हार गए, सिर्फ एक सीट रायबरेली से सोनिया गांधी जीती। और इस बार तो पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया और यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने के लिए जी जान से जुटी हुई है। ये 2024 का चुनाव है, सियासी समीकरण बदल चुके हैं, सहयोगी पार्टियों का पाला बदल चुका है। यूपी में मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच है, जबकि आरएलडी बीजेपी के साथ। 10 साल से बीजेपी यूपी में पकड़ बनाए हुए, जो विधानसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, यानी हर तरफ से बीजेपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में सवाल यही है कि पता नहीं कांग्रेस की कैसी तैयारी। बीजेपी ने अब तक यूपी में 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने 47 मौजूदा सांसदों को उतारा, 4 चेहरों पर दाव लगाया। अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें दी। इन 17 सीटों में से 16 सीटों पर कांग्रेस 2019 में हार चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अमेठी रायबरेली से राहुल या प्रियंका लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस। सबकी नजर रायबरेली और अमेठी की सीट पर है, जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने से रायबरेली की सीट भी खाली हो गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्या 2019 की तरह राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी राहुल गांधी और प्रियंका के नाम का प्रस्ताव अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कर सकती है, लेकिन इस मामले में अंतिम फैसला गांधी परिवार पर ही छोड़ दिया गया। कांग्रेस की अब तक 2 सीसी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी चर्चा में शामिल है। प्रियंका जी के लिए वहाँ की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश चुनाव समिति ने एक प्रस्ताव रखा है। इसमें कहा गया है कि अमेठी, रायबरेली और राज्य के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से ही चुनाव लड़े। प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिया गया। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रस्ताव के बारे में चर्चा की है और तीसरी बैठक में इसे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीसी को भेजने की संभावना है। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस यूपी में अपने उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर इतनी सुस्त क्यों पड़ी हुई है। आज तक ब्यूरो।